आज हम एक बहुत ही इजी मगर बहुत ही ब्यूटीफुल एक फुल सर्कल स्कर्ट बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है और ये रेयन फैब्रिक है और ये स्कर्ट हम 5 से 6 साल के बच्चे के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमें इस फैब्रिक को इस तरह 2 फोल्ड करना है। ये इसकी दोनों ओपन साइड है और ये इसकी जुड़ी हुई साइड है। अब हमें इसे एक बार फिर से इस तरह फोल्ड करना है। तो इस तरह हमें इसे 4 फोल्ड करना है, देखिए। और अब इस कोने से हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें कमर का नहीं बल्कि हिप का मेजरमेंट लेना है। जो भी बच्चे का हिप साइज हो उसका 1/4 भाग प्लस उसमें 1.5 इंच लूजिंग लेनी है। जैसे हिप है इसके 24 इंच, 24 का 1/4 भाग होगा 6 और इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो होगा 7.5 इंच। तो इस तरह टेप को क्रॉस में रखते हुए दोनों साइड हमें 7.5 इंच पे निशान लगाना है, इस तरह। और अब इस कोने से हम इस निशान को नापेंगे। तो ये देखिए 4.5 इंच पे आ रहा है। तो अब इस मेजर टेप को घुमाते हुए गोलाई में 4.5 इंच पे इस तरह निशान लगाना है। और अब इन सारे पॉइंट्स को इस तरह ग्राउंड में जॉइंट कर देना है। तो एक बार हम इसे नाप लेंगे। देखिए ये कमर हमारी बिल्कुल बराबर 7.5 इंच आ रही है, ये देखिए। और अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो यहाँ से हम इसकी लेंथ मेज़र करेंगे। तो इसकी जो रेडी लेंथ है वो ले रही हूँ मैं 14 इंच। स्कर्ट रेडी होने के बाद इसकी लेंथ 14 इंच ही रहेगी, क्योंकि 1 इंच नीचे से फोल्ड होगा और 1 इंच का ऊपर अलग से बेल्ट अटैच होगा। तो इस तरह मैं 14 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। अब इंच टेप को घुमाते हुए 14 इंच पे इस तरह राउंड में निशान लगाना है। और अब इन सारे पॉइंट्स को इस तरह गोलाई में जॉइंट कर देंगे। और अब इसकी कटिंग करेंगे। तो कमर से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इस तरह कट करना है इसे, और नीचे से भी सेम इसी तरह इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए स्कर्ट हमारी कट हो गई है। अब बेल्ट के लिए मैंने एक स्ट्रेट पट्टी ली है। इस पट्टी की चौड़ाई है 3 इंच और डबल में इसकी लंबाई है 15 इंच। इस तरह हमें एक बार इसे माप लेना है कमर से। तो ये देखिए बराबर आ रहा है। और 1/2 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखना है बेल्ट को जॉइंट करने के लिए। तो अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो पहले इस बेल्ट को फोल्ड करेंगे और दोनों पार्ट को मिला के यहाँ से इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ से बेल्ट को जॉइंट किया है और ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगा ली है। अब इस बेल्ट को हम स्कर्ट में अटैच करेंगे। तो पहले हमें इस स्कर्ट को दोनों साइड से बराबर कर लेना है और दोनों साइड हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। और सेम इसी तरह हमें बेल्ट को भी दोनों साइड से बराबर करके दोनों साइड कट लगा लेने हैं। अब इस बेल्ट को स्कर्ट में अटैच करेंगे। तो इस तरह देखिए दोनों साइड के कट्स को बराबर मिला लेना है। और अच्छे से इस बेल्ट को वेस्ट राउंड में सेट कर लेना है, इस तरह। ये देखिए इस तरह हमें इस बेल्ट को अच्छे से सेट करना है। और बेल्ट की और स्कर्ट की सीधी साइड मैच होनी चाहिए। और अब पूरे वेस्ट राउंड में सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए इस तरह। अब इस बेल्ट को बाहर निकालेंगे और अब इसे फिर से एक बार फोल्ड करेंगे। ये जो मार्जिन है इसे अंदर की तरफ दबाते हुए इस बेल्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और यहाँ बिल्कुल किनार पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए बेल्ट फोल्ड हो गया है और यहाँ आगे से हमने इसे 2 इंच ओपन रखा है इलास्टिक डालने के लिए। तो अब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये इलास्टिक की लेंथ मैंने 21 इंच रखी है। जितनी भी हमारी कमर हो उससे 1.5 से 2 इंच हमें कम लेना है। और अब मैं आपको इलास्टिक डाल के बताती हूँ। तो ये देखिए इलास्टिक मैंने डाल दिया है और यहाँ सेंटर में बिल्कुल इसके एक सिलाई भी लगाई है पूरे राउंड में। इसे बॉटम से भी फोल्ड कर लेंगे। तो बॉटम से मैंने पहले इसे 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा ली है, देखिए। और अब इसे फिर से एक बार फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे।